देश का माहौल काफी टेंशन में है, isn't it? एंड डोंट वरी, मैं वही सेम गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं रिपीट करने वाला जो तुम ऑलरेडी 50 अलग यूट्यूबर से सुन सुन के पक चुके हो. आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग ऑल द प्रिकॉशंस, सैनिटाइजर्स एंड स्टफ. सैनिटाइजर से याद आया कि मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज हैव दिस ऑब्सेशन ऑफ पतंजलि प्रोडक्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पतंजलि ने कभी ऐसे हैंड सैनिटाइजर्स निकाला ही नहीं. एंड फॉर सम रीजन माई डैड वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस. ही इज लाइक, बेवकूफ, तुझे पता नहीं है पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स कुदरती नॉन केमिकल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं. आई मीन, हाउ डू यू मेक दिस अप? एक हैंड सैनिटाइजर बिना केमिकल के कैसे बन सकता है? एंड आई डोंट ब्लेम देम, राइट? ऑब्वियसली इंटरनेट पे नए हैं, दे आर काइंड ऑफ स्टूपिड, कहना सही नहीं होगा, दे आर इनोसेंट, विच इज ऑल्सो ए रीजन दे बिलीव इन सच रिडिकुलस माइंड वॉबलिंग हॉरिबल व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस. हमारे सूत्रों के अनुसार इस फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज खुले हैं. एनी वन ऑफ यू वॉचिंग दिस, अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज है तो अप्लाई कर सकते हो. ओनली एट www.meradeshbadalrahahaiwhatsapp.com. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, वीडियो भी बना रखा है. इंडियंस हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ पर्सनल रिसर्च, खुद से ज्यादा सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं. मतलब यार ठीक है, 10वीं 12वीं में पढ़ाई नहीं की चलता है, लेकिन अभी इतने लोग मर रहे हैं, जस्ट रीड दैट गॉड डैम एडवाइजरी बाय आवर गवर्नमेंट. अच्छा चलो, इतना भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट वॉच सम न्यूज. यार ये क्या बोल दिया मैंने, ये न्यूज वाले तो अपने अलग ही पैरेलल सुपर वाइड डायमेंशन में जी रहे हैं. दीज आर 3 स्क्रीनशॉट्स टेकन फ्रॉम 3 डिफरेंट चैनल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. सारे अलग अलग नंबर ऑफ कंफर्म केसेस दिखा रहे हैं एंड दिस इज गुड, ये अच्छे साइंस है. नो वंडर लोग इनकी बातों से ज्यादा अपना फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप प्रेफर करते हैं. कुछ न्यूज चैनल्स ने तो इवन बड़े होशो उल्लास के साथ इसका इलाज निकालना भी स्टार्ट कर दिया है, ऑब्वियसली ज्योतिषाचार्य एंड रैंडम दाढ़ी वाले बाबाओं से राय लेके. एंड ऐसे सिचुएशन में डिस्ट्रेस, आई अंडरस्टैंड, इवन माई मॉम वॉज कंप्लेनिंग. यार ये साइंटिस्ट लोग इतने दिन से क्या कर रहे हैं पता नहीं, अभी तक तो निकाल देना चाहिए था वैक्सीनेशन. तुम में से जितने भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए वायरस एंड बैक्टीरियम. अगर ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता तो अभी तक शायद क्योर निकल चुका होता, बट वायरसेस आर नॉट दैट सिंपल. अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि दिस कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए बैट एंड अ पैंगलिन, विच इज अ रेयर स्पीसीज नाउ, बट हु केयर्स. चाइना के हर मीट मार्केट में ये लार्ज स्केल में बिकता है एंड लोग बड़े चाव से खाते भी हैं, स्पेशली द रिच ग्रुप ऑफ पीपल. दिस इज वेयर द वायरस बिकम्स वेरी डेंजरस. ऐसा एक सिनेरियो अज्यूम कर लेते हैं कि ये वायरस ओरिजिनली किसी चमगादर में था एंड किसी शुभ मुहूर्त में इस चमगादर की मुलाकात हुई एक पैंगोलिन से. नाउ जब ये वायरस 2 एनिमल्स में से होकर के किसी इंसान के अंदर आता है तो उसके डीएनए में 2 एनिमल्स का जेनेटिक कोड होता है, विच कॉजेस म्यूटेशन एंड मेक्स इट मोर मिस्टीरियस एंड कंप्लीटली न्यू एंड अननोन टू द फेमिलियर वायरसेस ऑफ आवर बॉडी. आई माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ईदर. एनीवेज बहुत सारे लोग इसको नॉनवेज खाने के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसे कैंपेन्स निकाले जा रहे हैं, हमने जानवरों पे इतना अत्याचार किया, ये उनका बदला है हम इंसानों से. आई मीन इट्स ओके इफ यू हैव मॉरल सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स एनिमल्स, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो इट हैज नथिंग टू डू विद नॉनवेज कंजम्पशन, अनलेस ऑफकोर्स इफ यू आर ईटिंग वियर्ड शिट लाइक चमगादड़ एंड मगरमच्छ. ऐसे वायरसेस जो सिर्फ एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो ह्यूमंस पे अटैक नहीं कर सकते, बट विथ टाइम उनमें से कुछ म्यूटेट करके इस काबिल बन जाते हैं. इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन, या एग्जैक्टली द प्रोसेस जिससे हम बंदरों से इंसान बने. वो अलग बात है कि अभी भी बेचारे कुछ लोग इवॉल्व नहीं हो पाए हैं. सो वॉट वी कैन एक्चुअली डू इज लिमिट कर सकते हैं नॉन वेज खाना, ताकि इनका जो इवोल्यूशन रेट है कभी भी इतना ना बढ़े कि हमारे मेडिकल रिसर्च को पीछे छोड़ दे. इंडिया में ज्यादातर लोग साइंस से ज्यादा भगवान पे बिलीव करते हैं, इसीलिए ट्यूजडेज सैटरडेज या किसी रिलीजियस फेस्टिवल के दौरान तुम्हारे घर वाले जो नॉन वेज खाने से मना करते हैं उसके पीछे आई गेस यही रीजन होगा. तो जब तक साइंटिस्ट इस कोरोना वायरस को पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं कर देते, तब तक इसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जितना हो सके इसको फैलने से रोकना. इसलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन वगैरह अनाउंस किया है, बट लोगों ने इन लॉकडाउन्स को उतना ही अटेंशन दिया जितने बॉलीवुड वाले अपने स्क्रिप्ट्स में लॉजिक एंड ओरिजिनैलिटी को देते हैं. आई मीन या ज्यादातर लोग घर पे ही है, बट देर इज दिस 1-2% मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन जो बिना किसी इमरजेंसी के अभी भी रोड्स वगैरह में दिख जाएंगे.
मतलब यार 21 दिन का इतना अच्छा ब्रेक मिला है, इस वक्त को अपने किसी काम में लगा लो, जैसे कि अपने स्पीकिंग स्किल्स एंड इंग्लिश को ही थोड़ा बेटर कर लो। हैं, मेरी बात मानो, ये फालतू का ओवरथिंकिंग छोड़ के कैम्बली ऐप इंस्टॉल करो। कैम्बली इज द वन एंड ओनली ऐप इन इंडिया जहां पे तुम वन ऑन वन कनाडा, यूएसए जैसे कंट्रीज के इंग्लिश टीचर्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सेंट को काफी बेटर कर सकते हो। टीचर्स 24/7 अवेलेबल होते हैं इस ऐप में, सो जब भी तुम्हारा फ्री टाइम हो, यू कैन एक्चुअली यूज दैट टाइम टू शार्पन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करके मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर 25% ऑफ भी मिल जाएगा। लिटरली इतनी सारी चीजें हैं करने को, लेकिन नहीं, हमको फिर भी कुछ डेयरिंग चाहिए लाइफ में। आई बिलीव ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानों ने बहुत लंबे समय तक, स्पेशली हमारी जो जनरेशन है, उसने कभी ऐसा स्कैसिटी या इमरजेंसी सिचुएशन देखा ही नहीं। लास्ट पैंडेमिक आउटब्रेक 1918 को हुआ था। हम भाई बचपन से ऐशो आराम से बड़े हुए हैं। इवन मार्च 2020 से पहले मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट था मेरे इंटरनेट कनेक्शन के स्पीड फ्लक्चुएशंस। ऑफ कोर्स एज एन इंट्रोवर्ट मेरे नॉर्मल रूटीन एंड लॉकडाउन में ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल एज द वायरस इज एक्सट्रीमली कॉन्टेजियस, मैं सेफ नहीं हूँ। मेरे पापा बैंक में है तो ही हैज नो अदर ऑप्शन, उनको जाना ही पड़ेगा। डर लगता है कभी कभी, यू नो, फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, कहीं मैं ही ना बन जाऊं। But I also have this good feeling about it. Of course, my heart goes out for the families जिन्होंने अपने dear ones को इस virus के चंगुल में खो दिया. But for a moment, think about the working class and corporates, जिन्हें जिंदगी के इस भाग दौड़ से एक आराम की सख्त जरूरत थी. And just imagine, कुछ हफ्तों बाद जब इस वायरस का कहर खत्म हो जाएगा और तुम अपने शहर के मार्केट्स में पहले की तरह घूम रहे हो, खुश हो फॉर द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन योर लाइफ, जिनको तुमने अभी तक फॉर ग्रांटेड ले रखा था। ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए बनी है, इस घमंड से कोसों दूर एम्ब्रेसिंग द ग्रैंड अटायर ऑफ नेचर। What's the situation of England right now, like for the COVID-19 and all? So the situation right now is not too positive because the number of cases is increasing quite rapidly, but I think that the government has things under control. But how do you feel? Do you feel worried about the situation? Like the numbers right now are surging. It was low for a week or two, then it's just suddenly there is a jump. It is increasing like 500, 600 cases every day. Oh, I see. Okay, so that's quite problematic. But hopefully things are under control.